हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वैलेंस बोन थ्योरी इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, नाउ वी विल डिस्कस द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, तो बेटा इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे हम बेसिकली आउटर कॉम्प्लेक्स निकालते हैं या इनर कॉम्प्लेक्स निकालते हैं. जिसको ये नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके पहले वैलेंस बोन थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर चेक करे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आप सेकेंड लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको उस लेक्चर में क्या बताया था कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको एक ये छोटा सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करना पड़ेगा. फिर आपको लिगेंड सेलेक्ट करना है कि लिगेंड आपके पास स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड है. अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो आप पेयरिंग कराओगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आप पेयरिंग नहीं कराओगे. ठीक है, जैसे कल हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, चार. ठीक है, तो यहां पर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बेसिकली चार ही है ना. अगर चार आए यहां पर लिगेंड में तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, अगर छह आता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी. ठीक है, तो अब इसको हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द सेंट्रल मेटल एटम. सेलेक्ट द सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है, यहां पर निकल, क्लियर इतनी बार. नेक्स्ट, सेलेक्ट द लीगेंड. लीगेंड कौन सा है यहाँ पर, सी एन. तो डैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड. वैसे भी यहाँ पर किसकी लिंकेज हो रही है, कार्बन की लिंकेज. तो जहाँ पर मैंने बताया था कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की लिंकेज होती है वो कौन सा लीगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है. तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इट मीन्स पेयरिंग इज पॉसिबल. पेयरिंग इज पॉसिबल स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में, हम क्या कहते हैं कि पेयरिंग क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको अब क्या करना है, इस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, x प्लस यहाँ पर 4, सी एन के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस के 1, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर माइनस के 2. कितना हो गया, x माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2. मतलब ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज प्लस 2. क्लियर इतनी बात. नेक्स्ट आपको क्या लिखनी होती है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28. कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो आप, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d, 8. यहाँ तक कंप्लीट ये क्या होता है, ऑर्गन 18. ये तो स्टेबल हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया. ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या है, टेकलेस नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये ऑर्गन 18 यहाँ पर क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये क्या है, स्टेबल है. अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एन की वैल्यू 4 है और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 3 है. तो ये इनर ऑर्बिटल होता है और ये क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल. तो इनर ऑर्बिटल को मैं पहले लिख लूँ 3d8 और बाद में क्या है, 4s2. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना क्या होता है, इजी होता है. इसलिए हम इनर पहले लिख लेते हैं और आउटर बाद में लिख लेते हैं. अब यहाँ पर एक स्टेप देखना, 4s के बाद कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 4p और 4d. 4p और 4d ये खाली होंगे हमेशा, ये क्या होंगे, हमेशा खाली होंगे. इसमें लेकिन 4d का आपके पास यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनानी होती है. ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, दो हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन कौन सी, sp3 और dsp2. इसका नाम टेट्राहेड्रल होता है और इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर. तो यहाँ पर डी क्या है, पहले इन्वॉल्व हो रहा है, बाद में तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, तो हमें इस डी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. ठीक है, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में हमें ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्या है, इसकी निकल की कितनी आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 2. तो इस निकल की प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे. प्लस 2 का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, रिमूव करनी है. तो कितना बचा, 3d8, 4s, 0. आगे 4p भी क्या रहेगा, 0 रहेगा. 4d इन्वॉल्व होना ही नहीं है इसके अंदर, क्लियर है. अब डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5. ये 3d हो गया, नेक्स्ट क्या है, 4s, नेक्स्ट क्या है, 4p. पी में कितने हैं, 3 और. इतनी बात क्लियर, क्लियर है अक्षित, हाँ भाई तुम्हें. 3d कितने इलेक्ट्रॉन है, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8. क्लियर, और हमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है. बट अब आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, या तो sp3 बननी चाहिए. sp3 क्यों, ये जो चार लिगेंड है ये डलेंगे.
अगर एक यहाँ डाल दे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, हो जाएंगे ऑक्यूपाई। बट यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब यहाँ पर अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, पेयरिंग करके क्या हो जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूँ, इधर पेयरिंग करा देती हूँ इसकी। यहाँ पर मैंने क्या करा दी, पेयरिंग, क्लियर। तो ये डी क्या हो गया, फ्री हो गया। अब डी फ्री होने से बेसिकली क्या हुआ, ये चार लिगेंड जो है पहले इस डी को ऑक्यूपाई करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। यहाँ से क्या आ गया, एक डी, एक एस और पी कितने आ गए, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, DSP2। आ रही बस समझ, ये डी फ्री होना चाहिए इसके लिए। एक अगर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड है तब नहीं होगा ये, पेयरिंग तब पॉसिबल नहीं है। उसका भी एग्जांपल अभी करा दूंगी आपको, क्लियर है। अब DSP2 में कौन सा इसका ज्योमेट्री होगा, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर है, डी पहले आ रहा है, डी यहां पर पहले आ रहा है, तो कौन सा होगा, इनर। इनर के लिए लो स्पिन होता है कि हाई स्पिन होता है, तो डेट इज द लो स्पिन की हाई स्पिन, लो स्पिन, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इट मींस डेट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कलर प्रोड्यूस करेगा ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि क्या है, फुल्ली फील्ड है, तो इट इज कलर लेस। क्लियर है, और चीज बता दो इसके अंदर, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डेट इज डाया मैग्नेटिक, क्लियर, क्लियर है, चलो नोट डाउन करो। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसे NiCO4, ठीक है। अब 4 है तो 4 के लिए आपको पता है कौन सी ज्योमेट्री यूज होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए दो हाइब्रिडाइजेशन, SP3 या DSP2, इन दोनों में से एक बनेगी, वो चेक करनी है आपने कौन सी बनेगी। अब निकल, सेलेक्ट द सेंट्रल मेटल एटम, डेट इज निकल, CO, डेट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, डेट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, ध्यान रखना। कार्बन CO क्या है, बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपको जी ये वीक फील्ड है, ध्यान रखना। CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, कार्बन आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 28 के अकॉर्डिंग, ये रहेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, ठीक है। या ऑर्गन 18 तक ये तो स्टेबल हो गया, बची कौन सी आपके पास, 3d8 एंड 4s2। इनर ऑर्बिटल को हमने पहले लिखा, आउटर को हमने बाद में लिखा, ठीक है। अब देखिए, इसका आपको ऑर्बिटल बनाना है, यहाँ पर डी डैट इज 3d, कितना हो गया, 5 ऑर्बिटल, नेक्स्ट क्या है, 4s, एंड नेक्स्ट क्या है, 4p, क्लियर। डी में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। 4s में कितने हैं, 2, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करी है, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉन तो क्या कराना है, रिमूव कराना है। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड आउट करोगे, कितनी निकलेगी, x प्लस 4 इंटू CO के ऊपर 0, कितना आ गया, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो अगर आप इसकी पेयरिंग करा देते हो, अगर आप इसकी पेयरिंग करा देते हो, ये यहाँ जाता है, ये खाली हो गया, लेकिन ये तो भरा हुआ है, फिर कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो और ये एक वाला इधर शिफ्ट कर दो, पेयरिंग ज़रूर करानी है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये हो गया फ्री। आ रही बस समझ, पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग किसी भी हालत में आपको करानी करानी है। तो कितने बच्चे अब आपके पास, बेसिकली ऑर्बिटल 4, तो ये CO लिगेंड ऑक्यूपाई कर लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसके साथ क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, SP3, ज्योमेट्री कौन सी हुई, टेट्राहेड्रल, कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, आउटर, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डेट इज़ लो स्पिन, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कलर प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड है, मतलब डायमैग्नेटिक है, इट मीन्स इट विल नॉट प्रोड्यूस द कलर, ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लियर है, कर लोगे, हो जाएगा।
हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। अभी तक हमने जो दो एग्जांपल करे वो किसके करे? स्ट्रॉन्ग फील्ड के, ठीक है। एक वीक फील्ड का करा देती हूँ इसमें टेट्राहेड्रल में। अब देखिए आपके पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है यहाँ पर, दैट इज कॉपर। लिगेंड कौन सा है? Cl4Cl, हेलोजन है। हेलोजन के लिए कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड, वीक फील्ड। तो यहाँ पर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो इट मीन्स पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसकी फर्स्टली ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। x प्लस 4, क्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 2, माइनस 2 प्लस के क्या हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो जाएगा ये 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 2। मतलब कॉपर किस में एग्जिस्ट करता है? प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखो। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, क्या कन्फिगेशन रहेगी? ऑर्गन 18, 3D 9, 4s 2, 4p इसका क्या है? फ्री पड़ा हुआ है, खाली है। 3d 9, 18, 2 20 और 9 29। अब आपको कॉपर किस में डालना है? प्लस 2 में। तो कॉपर प्लस 2 में कैसे डलेगा? यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या करा दोगे? रिमूव करा दोगे। ये तो स्टेबल है, ये मैं ले ही नहीं रही हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3d 9, 4s 0, 4p भी कितना है आपके पास? 0 है। अब d में कितने ऑर्बिटल हो गए? 5, एस में 1 और पी में 3। ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। क्लियर? अब S में है नहीं, P में भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, ना इसके पास पेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चार लिगेंड है ये कहाँ जाएंगे? अगले ऑर्बिटल्स में, 1, 2, 3 और 1, 4। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3। ज्योमेट्री कौन सी हुई? टेट्राहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? आउटर। और क्या है आपके पास? पैरामैग्नेटिक है, ऑब्वियसली बात है, पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। तो इट मींस क्या प्रोड्यूस करेगा? कलर, कलर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्या है? लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है? कम है, इज लो स्पिन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो क्या होगा? लो स्पिन। क्लियर है? कर लोगे? चलो पहले अपना मेथड अप्लाई करो। आप जो आप करते हो, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करोगे? सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है? कॉपर। नेक्स्ट सेलेक्ट करो लिगेंड। लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो मतलब पेयरिंग पॉसिबल है, ये हमारे पास कंडीशन है। कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, हमारे पास पेयरिंग क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब क्या होता है, जो हम जनरल कर रहे हैं इसकी क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी? एक्स प्लस 4 इंटू, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज 0 इक्वल टू 2, कितनी आ गई? 2। मतलब कॉपर किस में है? प्लस 2 फॉर्म में एडजस्ट करता है, ठीक है। कॉपर की कन्फिगेशन क्या लिखोगे आप? 3D 9 4S 2, 4P क्या पड़ा हुआ है? फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे पहले ऑर्गन 18 होता है, ठीक है, बेसिकली वो स्टेबल है तो हम नहीं लेते। नेक्स्ट कॉपर प्लस 2 में क्या हो जाएगी? ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, कितना बचा? 3D 9 4S 0 4P 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब D में कितने हैं? 5 ऑर्बिटल, S में 1 ऑर्बिटल और P में 3 ऑर्बिटल। यहाँ D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। अब यहाँ पेयरिंग कराने के लिए तो क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पड़ा है कि यहाँ पड़ा हो तो हम पेयरिंग करा देंगे। तो पेयरिंग के लिए तो क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बेटा एक एक्सेप्शनल केस है। अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो आप ये चार लिगेंड क्या करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स? ये 3D है, ये 4S है, ये क्या है? 4P है। 1, 2, 3, 4 क्या बना देते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा एक्सरे डिफ्रेक्शन से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आई है। ये एक्सेप्शनल केस है, बार बार बोल रही हूँ। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या आई है? दैट इज DSP2 आई है। एक्सरे डिफ्रेक्शन से जब इसकी स्टडी की गई तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? DSP2। कई बुक्स में दिया होता है रिप्रेजेंटेशन sp2d, ठीक है। सबके अलग अलग मेथड हैं रिप्रेजेंटेशन करने के, बट रिलायबली जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? DSP2 लिखते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे बनी, क्या लॉजिक लगाया होगा, उसका क्या कारण रहा होगा कि sp3 नहीं आई है? एक्सरे डिफ्रेक्शन के अकॉर्डिंग क्या रही है? DSP2 आई है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखिए, मतलब DSP2 आई है तो मतलब यहाँ D का इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैं ये D का इलेक्ट्रॉन ये फ्री कर दूँ यहाँ से, D
sp2, तो मतलब ये वाला जो d का इलेक्ट्रॉन है मैंने सपोज कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया, तो बन सकती है आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट ऐसा हुआ क्यों कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है। अब बुक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रखी है इसकी, बेसिकली यहाँ पर क्या कर रखा है, ये d ले रखा है, ये 4s, ये 4p और आगे क्या ले लिया 4d, ठीक है। ये क्या करा इन्होंने, dsp2 बना दी और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दिया, इधर d में डाल दिया। भाई अगर यहाँ पर ये dsp2 बना रही है यहाँ तक, तो ये एक ऑर्बिटल खाली क्यों छोड़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो जाना चाहिए था ना, वहाँ क्यों पहुँचा दिया डायरेक्टली, समझ आ रही है बात। तो सबके अपने अपने लॉजिक हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं कि किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी है। मेरा क्या मेथड है, मैं वो बता रही हूँ आपको कि मेरा यहाँ पर ये लॉजिक है कहने का कि अगर बुक्स में यहाँ पर ये 4d में इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, dsp2 बना दी हाइब्रिडाइजेशन, एक ऑर्बिटल खाली छोड़ के आप अगला इलेक्ट्रॉन उसमें भर रहे हो, बात समझ आ रही है। तो हम क्यों खाली छोड़े इसको, तो मैंने क्या करा, ये एक इलेक्ट्रॉन किस में डाल दिया, यहाँ पर p में डाल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। Cu+2 में है तो किस में चला जा सकता है, यहाँ से Cu+3 स्टेट में जा सकता है, और जबकि कॉपर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है। तो उसका रीज़न क्या बताया है इसने कि हो सकता है आप जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हो स्कैंडियम टू जिंक, आपको पता है नॉर्मली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज हो पाएगा, नहीं होगा। तो ड्यू टू द जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन विल बी मोर, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ईजिली रिमूव, क्लियर। तो ये उसने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा दिया अपना, ठीक है। तो अब आपके पास ये चार लिगेंड फिल करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, क्या बन गया आपके पास, dsp2, ठीक है। ज्योमेट्री कौन सी बन गई, स्क्वायर, प्लेनर, कौन सा आएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कलर प्रोड्यूस क्या करेगा, ये करेगा, क्लियर है, कर लोगे, तो डैट इज़ अ एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन थी यहाँ पर, क्लियर है बेटा, कर लोगे। तो यहाँ पे हम अपना ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ख़त्म करते हैं और हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो टॉपिक है यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।